असला चिकन की रेसिपी आज मैं आपके साथ शेयर करी हूँ। और ये बहुत ही जूसी और बहुत ही टेस्टी सा चिकन फ्राई जो है वो बनकर रेडी होता है। तो आप भी इस तरीके से घर पर इसे बनाएं वीकेंड में, स्पेशल चिकन फ्राई की ये रेसिपी। तो चलिए बनाते हैं तसला चिकन। तसला चिकन बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ले लिया है 600 ग्राम चिकन, जिसे अच्छे से साफ करके मैंने वॉश कर दिया है। अब हमें इसे करना है मैरिनेट। तो मैरिनेशन में हम सबसे पहले 3 हरी मिर्च कुटी हुई ऐड करेंगे। उसी के साथ साथ हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून भरकर अदरक लहसुन का पेस्ट, आधा नींबू का रस हमें इसके ऊपर डाल देना है। और जो नींबू का रस है, हरी मिर्च और अदरक लहसुन है, उसे चिकन के ऊपर हमने अच्छी तरीके से लगा देना है। तो चलिए पहले ये मसाला हम अच्छे से चिकन के ऊपर लगा लेते हैं। मसाला हमारा लग चुका है, अब हमें एक दही का मसाला बनाना है। तो यहाँ पर मैंने ऐड एक बोल में ले लिया है 2 टेबलस्पून दही, यानी 50 ग्राम जितनी है दही मैंने ली है। उसमें मैं ऐड कर रही हूँ 3/4 टीस्पून, और उसी के साथ साथ और 3/4 टीस्पून, यानी मैंने इसमें तंदूरी मसाला ऐड कर लिया है लगभग 1.5 टीस्पून। नमक जाएगा इसमें स्वाद के अकॉर्डिंग, और इन सारी चीज़ों को हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो चलिए ये मसाला जो है वो हम ये दही में अच्छे से मिला देते हैं, फिर ये चिकन के ऊपर हमने ये मसाला लगा लेना है। तो अब ये दही का मसाला हमारा हो चुका है रेडी। तो चलिए अब ये चिकन के ऊपर हम डाल देते हैं, और दही के मसाले को हमने चिकन से अच्छे से मिला देना है। और फिर हमें से कम 1 घंटे तक मैरिनेट करना है। आप ओवरनाइट मैरिनेट कर सकते हैं, 3 से 4 घंटे तक मैरिनेट करें, ताकि आपका चिकन जो अच्छे से एकदम सॉफ्ट हो जाए और टेस्ट भी अच्छा है। तो मैं यहाँ पर 1 घंटे के लिए ही मैरिनेट करूँगी, उसके बाद हमें आपको दिखाएंगे। तो 1 घंटे बाद अब हमने चिकन को करना है फ्राई। तो उससे पहले हम इसमें ऑयल भी ऐड कर लेते हैं। तो मैरिनेशन में करते वक्त मैं ऑयल डालना भूल गई थी, तो मैंने यहाँ पर 1 टीस्पून ऑयल भी ऐड कर दिया है। वो लगाकर हमने इसे रख देना है मैरिनेशन के लिए। 1 घंटे बाद हम पैन गरम करने रख देंगे, उसमें हम ऐड करेंगे बटर, और इसमें बटर ज़्यादा जाता है, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है चिकन फ्राई का। उसी के साथ साथ थोड़ा तेल ऐड करेंगे, ताकि बटर जो है वो जले ना। अब जो हमने मैरिनेट कर लिया था चिकन को, वो हमने इस तरह से पैन में रखते जाना है। और ये देखिए कितना अच्छा सा मसाला जो है वो चिकन के ऊपर लगा हुआ है। तो ये सारा मसाले के साथ चिकन जो है वो हम पैन में डालते जाएंगे। अब पहले तो फ्लेम जो है वो हमने हाई रखनी है। हाई फ्लेम पर हम थोड़ी देर चिकन को पकाएंगे, उसके बाद हम मीडियम फ्लेम पर चिकन को पकाएंगे, ताकि चिकन जो है वो अच्छे से टेंडर हो जाए। तो इस चिकन में से थोड़ा थोड़ा पानी जो है वो देखिए इस तरह से रिलीज होने लगेगा। तो ये मैंने पलट लिया है, देखिए एक तरफ से, दूसरी तरफ से भी हमने पलट लेना है। और फिर हमने इसे अच्छे से मीडियम फ्लेम पर फ्राई कर लेना है, ताकि चिकन अंदर तक एकदम सॉफ्ट हो जाए, देखिए इस तरह से। तो दोनों तरफ से हमने चिकन को अच्छे से पूरा पानी भी ड्राई कर लेना है, और अच्छा सा हल्का हल्का सा ग्रिल मार्क्स भी आने देना है। जैसे आप देख सकते हैं अभी हल्के हल्के से ग्रिल मार्क्स जो है वो चिकन के ऊपर आ चुके हैं, और चिकन जो है वो अच्छे से टेंडर हो रहा है। तो अभी हमने यहाँ पर इसमें कोयले का बघार भी देना है। तो पहले हम यहाँ पर एक दही का दूसरा मसाला बनाएंगे, जिसमें मैंने 100 ग्राम दही ले ली है। उसी के साथ साथ मैंने इसमें ऐड करी है 50 ग्राम फ्रेश क्रीम। अगर आपके पास मलाई है तो मलाई ऐड कर दे। उसी के साथ साथ हमें इसमें 3 हरी मिर्च का पेस्ट भी डालना है। 1/2 टीस्पून डालना है चाट मसाला, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। तो ये देखिए सारी चीज़ें हमने दही में अच्छे से यहाँ पर मिक्स कर ली है। उसी के साथ साथ हरा धनिया भी हमने इसमें डाल देना है, और उसे भी हमने मिक्स कर लेना है। इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट जो है वो चिकन में आएगा। तो यहाँ पर देखिए चिकन जो है वो अब अच्छे से फ्राई हो चुका है और टेंडर भी हो चुका है। तो अब हम इसमें कोयले का फ्लेवर देंगे। तो यहाँ पर ये कोयला मैंने गरम करने रख दिया था, उसके ऊपर थोड़ा सा बटर ऑयल ऐड कर दे, या बटर ऐड कर दे, और इसे ढककर रख दे, ताकि अच्छा सा स्मोकी फ्लेवर जो है वो चिकन में आ जाए। और ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त सा खुशबू जो है वो आने लग गई है। तो ये अब कोयला हम निकाल देंगे। मेरे पास ग्रिल पैन था, तो मैं थोड़ा सा ग्रिल पैन पे भी इसे ग्रिल मार्क्स और देने वाली हूँ अच्छे से, ताकि ये जो और जो तंदूरी वाला फ्लेवर होता है ना वो भी आ जाए। तो इस तरह से देखिए आपको जो ग्रिल मार्क्स लेने हैं, और अगर आपके पास है इस तरह से ग्रिल पैन, तो ज़रूर ऐसे कर लीजिए। आप पैन में भी इसे इस तरह से हल्का हल्का सा हाई फ्लेम करके इस तरह से देखिए ग्रिल मार्क्स दे सकते हैं। और ये सभी पे देखिए चिकन पे कितना अच्छा सा ग्रिल मार्क्स जो है वो आ चुका है, और चिकन जो है वो बहुत अच्छे से टेंडर हो चुका है। तो अब हमने यहाँ पर जो है वो दही का मसाला जो बनाया था, वो दही और मलाई, जो हरी मिर्च हमने डाली है, वो जो मसाला हमने बनाया था वो अब इसके ऊपर जाएगा। तो पहले हमने गैस की फ्लेम जो है वो ऑन कर देनी है, फिर ये मसाला उसके ऊपर डालना है, और इसे 5 मिनट के लिए हमने पकाना है, जिससे बहुत ही अच्छा सा टेस्ट जो है वो आ जाता है। और 5 मिनट तक हम इसे पकाएंगे मीडियम फ्लेम पर, और मीडियम टू लो फ्लेम पर रखना है। और उसी के साथ साथ यहाँ पर मेल्टेड बटर हमने डाल देना है। 1 टेबल स्पून बटर मैंने लिया हुआ था, उसे मेल्ट कर लिया, वो मेल्टेड बटर हमने डालना है, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अब जो ये दही मलाई मेल्टेड बटर है, उसका टेस्ट जब चिकन में आएगा ना, बहुत ही ज़बरदस्त
लगता है। तो यहाँ पर अब ये 5 मिनट तक हम इसे पकाएंगे और 5 मिनट हो चुके हैं, तो चलिए अब हम ऊपर से डाल देते हैं ऊपर से थोड़ा और हरा धनिया, और ये हमारा तसला चिकन जो है वो बन के रेडी हो चुका है। बहुत ही ज़बरदस्त। अगर आपके पास सीजलर प्लेट है तो आप इसे सीजलर प्लेट पे भी इसे सर्व कर सकते हैं, उससे भी बहुत अच्छा सा आपको एक ढाबे वाला फील आ जाएगा। और ये हमारा अब बहुत ही ज़बरदस्त सा चिकन फ्राई जो है वो हो चुका है रेडी। तो आप भी रेस्टोरेंट ढाबा जैसा चिकन जो है वो घर पर बना सकते हैं। ज़बरदस्ती रेसिपी है और आपको बहुत आसानी से आप इसे घर पर जो है वो बना सकते हैं। तो ये तसला चिकन की रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आएगी, तो इस रेसिपी को आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए ऐसे ही गरम गरम हम प्लेट में से निकाल लेते हैं। देखिए इस तरह से ग्रेवी में डुबो डुबो कर ये चिकन फ्राई खाए, और बहुत ही टेस्टी सा ये तसला चिकन बनाकर आप भी इंजॉय करें, वीकेंड्स पर बनाएं, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इसे शेयर करें। रेसिपी आपको कैसी लगी हमें फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अच्छी लगी तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इसे शेयर कीजिएगा। और ये देखिए ज़बरदस्त सा ये तसला चिकन। आई होप आपको आज की रेसिपी हमारी पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ गुड डे।